दरवाजा खुलने के बाद तुम मुझे नानी के लेके जाना। अब मैंने ऑन कैमरा बोला है, अब तो तुम्हें खड़ा ही पड़ेगा। गाइस आप भिजवा दो एक दो वीडियो, एड्रेस बता दूंगी मैं। एक खरबूजा और एक सेब दे रही है तुम्हें। हां दिन कुछ ऐसा टाइम हो रहा है 3:30-4 बजे का और सैरी का टाइम हो चुका है। और हुनैन साहब आज सो गया सैरी से पहले। वैसे तो वो जागता है कि उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो उसने बोला मैं सो रहा हूँ लेकिन मुझे उठा देना जब सैरी का टाइम हो। लेकिन अब हम चलो हम सबको दिखाती हूँ कि वो उठने के लिए कितने ज्यादा ड्रामे करता है। 5 मिनट और 10 मिनट और आज मैं उसको अपने तरीके से उठाऊंगी। जरा चलो तुम सब साथ मेरे और देखना। ड्रामे बाज ये सो रहा है। हुनैन हुनैन सैरी का टाइम हो गया है। हुनैन सैरी का टाइम हो गया है। कितना कब उठोगे हैं? कब उठोगे? कब उठोगे? अब मेरे दिमाग में आ रही है खुराफात। भाई मैं जब अपने तरीके से उठाऊंगी ना फिर गुस्सा नहीं करना, सही है? हुनैन उठ रहे हो? नहीं उठ रहे? देख लेना कुछ जिम्मेदार हो गए। हुनैन नहीं उठ रहे? 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 उठ तो गया, उठ गया। मैं जब तमीज से उठा रही थी तो इज्जत रास नहीं आ रही थी। मेरा पूरा बेड गीला कर दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सोऊंगा कैसे? जमीन पे सो गया आज तुम। अरे अम्मी अम्मी देखे यार, सही किया ना? क्या सही किया? और नहीं बस और उठ गया, उठ गया, उठ गया। अच्छा पी लो, रोजा नहीं है अभी, शायरी करनी है। मजा आया वैसे तुम्हें? हाँ बहुत। हैं क्या किचन में आके बैठ गए हो क्या? बाहर में चला गया पानी। ये क्या है? ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग। मैं सो गया था रात में, मुझे पता भी नहीं चला है मोबाइल चलाते चलाते कब सोया हूँ। और इसने मुझे जिस तरह से उठाया है ना, तुम्हें इस तरह कौन उठाता है इस तरह? अब तुम देखो अभी तुम ना सिर्फ व्लॉग बना रही थी इस वजह से बच गए। अगर ये व्लॉग नहीं बना रही होती ना तो पूरी गीली होती, इसके ऊपर पूरी बोतल फेंकता, बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंकूंगा। क्या अगर फेंका? क्या अगर फेंका क्या करोगी? तो मुझसे बुरा ना कोई है ना कोई होगा। वो तो वैसे भी कोई नहीं, वो तो वैसे भी तुमसे बुरा कोई नहीं है। ओए इतनी अम्मा देखें, इसकी बदतमीजी देख रही हैं आप? क्या हो गया तुम्हें? यही बेइज्जती हो गई, बेइज्जती रही है। अच्छा मैं तुम लोग को एक बात और बताऊं कि यार यहाँ पे जो है ना अम्मी, एक बात आप मुझे ये बताएं कि मैं अब अपने कमरे में सोऊंगा कैसे? क्यों? बेड पूरा गीला हो गया। हमारे साथ सो जाना, हमारे बेड पे। और तकिए? तकिए कहाँ से लाऊंगा? तकिए ही पूरे गीले हो गए। तकिए भी गीले हो गए तो? नहीं कोई नहीं। हाँ गीले हो गए, बिल्कुल गीले हो रहे। चलो मैं अपना एक तकिया ले लूंगी, मैं धो लेती हूँ। मेरी अम्मा बहुत अच्छी है, मेरी अम्मा बहुत अच्छी है। तुम निकलो, तुम यहाँ से निकलो। तुमने जो करा है ना आज, क्या किया? बस अब अम्मा मैं आंखें खुली हुई है मेरी। अम्मी अब आंखें खुली हुई है। मोबाइल को हिलाना भी बनता है। बस सुन अम्मा, इसको बेइज्जती कर रहे हैं इसकी थोड़ी। अम्मी 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 इसकी बेइज्जती कर रहे हैं थोड़ी। बहुत तेज हो रहा है। मैं नहीं चाह रही गाइस के सामने तुम्हारी बेइज्जती। अम्मी यहाँ पे क्या बना रही हैं? सहरी में भी सहरी के सीन है, तो अभी अम्मी यहाँ पे बना रही हैं पराठे। और क्या बना रही हैं अम्मी? ये बना रही हैं तो
फागी ना अंडे का, क्या बात है क्या बात है। बस फटाफट से करते हैं सैरी, और सैरी करने के बाद तुम लोग को पता है हमें क्या क्या करना होता है, लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले करनी है हमें सैरी, क्योंकि भूख लग रही है और रोज़ा भी रखना है, टाइम भी कम है। टाइम हो रहा है 4:20 और मतलब 40-50 है हमारी सैरी में। बस ये हमारी लग गई है सैरी, और सैरी में हमारे पास आज है अंडे का खागीना और कबाब। ये कबाब चिकन का है या गोश्त का है? चिकन का कबाब आ गया, और ये हमारे पराठे आ गए, और दही अम्मी निकाल रही हैं अम्मी, और शरबत बना दें। शरबत पीने का दिल चाह रहा है मेरा, दूध वाला। हाँ भले दूध वाला बना दें, लेकिन ठंडा पीऊँगा, ठंडा ही। हाँ सही है। अभी फटाफट हम करते हैं सैरी, और तुम खांसी अपनी थोड़ी देर रोक नहीं सकती? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ? अच्छा बस बस बस, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम सब एक साथ खाया पिया गया, तो ये इसको तो सब खिला दो, इसको सब दे दो, इससे सब खाए, सब खाएगी। अभी नहीं मिलेगी, अब अभी भी है और आइसक्रीम। हबीबी बहुत आइसक्रीम वो है। मैं खाऊंगा हबीबी, बता दूंगी गाइस को। अच्छा चलो अभी फटाफट हम करते हैं सैरी, मिलता हूँ तुम लोग से सैरी करने के बाद, फिर नमाज वमाज पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है यार। मैं 2-3 दफा बोल चुका हूँ टाइम नहीं है, टाइम कम है सैरी में, बंद होने में, अजान होने में फजर की। अरे सैरी भाई कंप्लीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसकी नहीं हुई है। हो गई नहीं हुई? हो गई मेरी सैरी। कैसे? हो गई मेरी सैरी, आज मैंने करी नहीं सही से सैरी। खैर हो गई आपकी सैरी? Yes. और अम्मी आपकी हो गई सैरी? सारी कंप्लीट, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। चलो यार बस अब इंतज़ार करना है हमें अजान का, अजान हो जाएगी तो नमाज़ पढ़नी, और नमाज़ पढ़ के बस सो के सुबह उठना है वापस, और ब्लॉगिंग अब इंशाल्लाह स्टार्ट करनी। हाँ कुरान पढ़ना है, अभी कुरान पढ़ूंगा नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान सही है, दोनों पढ़ेंगे। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई है और हमने नमाज वमाज भी पढ़ ली, और थोड़ी देर बैठा हुआ था, अभी फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पे जो है हमारी अम्मी बना रही हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही हैं, आज अम्मी बना रही हैं अफ्तारी। आज तुम क्यों नहीं बना रही अफ्तारी? हैं क्यों छुट्टी? क्यों क्यों क्यों? अम्मी ने बोला आज मेरी मम्मी आराम कर ले। जब ये पूछ रही हैं मुझसे भी, अभी पूछा है इन्होंने कि मैं कैसी लग रही हूँ बताओ, और अगर मैं बोलता नहीं ना हाँ अच्छी लग रही हूँ, जाती नहीं पूछती रहती कैसी लग रही हूँ कैसी लग रही हूँ, इसलिए बोला था। तो गाइस तुम लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, हो गया मेरा खत्म हो गया, तुम्हारा चल ही रहा है अभी तक? क्या कर रही है? अल्लाह रसूल के प्यारो, सहरी अफ्तारी होने में भी बहुत टाइम है। हाँ बहुत टाइम है, चलो सच से हो गया, चलो 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 तो लेडीज फर्स्ट, तुम जाओ ना फिर। नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगी, आज अम्मा पीछे पड़ी हुई है, अम्मा को लेके जाऊंगा। अम्मा को तरावी के बाद लेके जाना, मुझे तरावी से पहले लेके जाना। मैं तुम लोग का ड्राइवर ही तो हूँ रे बाबा, मैं ड्राइवर ही तो हूँ। किधर है? ड्राइवर नहीं, तुम हमारे प्यारे भाई हो, भाई हो और मेरे बेटे हो। कैसे कैसे अम्मी मेरी मेरी अम्मी, ओ मैं बोल रहा था मुझे जो है ना थोड़े से ना तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए चाहिए। ईद की शॉपिंग के लिए 10-12 हज़ार की कौन सी शॉपिंग होती है? वो तो पता नहीं कितने की होगी, बता दूंगा, उसके अलावा मुझे चाहिए। अच्छा दे दूंगी, अभी अभी ब्लॉग बन रहा है इसलिए बोलिए दे दूंगी। अच्छा अच्छा इधर करो, अभी ना रोजा खुलने के बाद तुम मुझे नानी के लेके जाना, अब मैंने ऑन कैमरा बोला है, अब तो तुम्हें खड्डा ही पड़ेगा। मैं नहीं लेके जाऊंगा। गाइस देख लो ये भाई बहुत वो है बदतमीज, अगर ये नहीं लेके गया जी नहीं, आज तो आपका जाना ही नहीं है, आज तो मुझे जाना। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। तो बाबा के पास रहोगी? घर में रहोगी आज बाबा। मेरे बाबा सो जाते हैं, मैं ये घर में रहेगी, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, सही है अम्मी? हाँ मेरे लेके जाऊंगा।
मुझे तो वहाँ जाना है ना, किसी के इंतकाल हो गया वहाँ जाना है मुझे। हाँ, मेरे दोस्त की दादी, मेरा दोस्त, वो बहुत पुराना दोस्त है वो, हाँ, जिसके भी शादी हुई थी ना नेहा की, शारिक को तो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जिसकी भी शादी हुई थी नेहा की, उसकी शारिक को भी जानते, शारिक के ब्लॉग में आया था, उसके सुसर की अम्मी का इंतकाल हो गया, दादी का ना, शारिक की दादी सास, उसकी दादी सास का इंतकाल हो गया, नेहा की दादी राजीवन, अल्लाह जन अल्फुल दोस्त में अल्लाह मुकाम दे, अमीन अमीन अमीन। और ये तुम ये खरबूजा ही क्यों देती रहती हो? सेब ले लो। आम तो आए नहीं है अभी। आम कब आएंगे गाइस? गाइस आम भिजवा दो एक दो पेटियां। गाइस आम भिजवा दो एक दो पेटियां, एड्रेस बता दूंगी मैं। एक खरबूजा और एक सेब दे रही है तुम्हें। हाँ। यार पेटियां भेजो पेटियां। Women. अरे अरे अरे, इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है, लेकिन क्लाउड कहाँ है? क्लाउड कहाँ भाग गए? कहाँ चले गए क्लाउड? कराची से गाना आ रहा है, लेकिन मैं नहीं गा सकती, मेरा रोजा है। तुम्हारा रोजा मुरकुरू हो जाएगा, मुरकुरू हो जाएगा, मुरकुरू मुरकुरू। मैं इनके करीब नहीं जाऊंगी, अब मैं इनके करीब नहीं जाऊंगी, नया सूट पहन के, सॉरी सॉरी, नो दोस्ती, नो दोस्ती। क्यों? जब मिलूंगी जब तुम लोगों से, जब मैं पुराना सूट पहन के आऊंगी। इसके साथ अभी थोड़े टाइम पहले पता है क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग वीडियोस बना रहे थे, और वीडियोस बनाते बनाते ना ये अपनी नई शर्ट पहन के आई हुई थी ऊपर, और शर्ट पहन के आई हुई थी, मेरी वीडियोस बना रही थी, और इसमें जो है ना इसकी यूं शर्ट अटकी और पूरी फट गई, और उस पर अम्मी ने इसको इतनी बातें सुनाई, क्योंकि वो नहीं, डांट तो पड़ी थी ना, डांट तो पड़ी थी ना। तो अभी फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि सामने से बराबर से आंटियां जो है बहुत ज़्यादा ताड़ रही हैं, मतलब देखी जा रही हैं। एक तो आंटियों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, आ जाओ नीचे, गिर जाओगी, आ जाओ भाई, भाई नीचे 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 वापिस नहीं कहें कब, हाँ जाओ उड़ाओ, बिल्कुल छोटी छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, हाँ। चलो नीचे चलो वापस, बस बस, नहीं नहीं नीचे चलो वापस नीचे। मैं तुम लोग को एक बहुत ही जबरदस्त सी चीज दिखाने वाला हूँ, सही है? सबसे पहले तो वो देखो सामने, वो रहा एक चांद, और एक चांद तुम लोग के सामने है बिल्कुल। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अजाने हो रही हैं भाई, अजाने हो रही हैं, जल्दी से रोजा खोलो, अजाने हो रही हैं। क्या था अल्लाह उम्मा इन्नी लगा संतो अभी का बंदो अलग तो का तो अरे से फरता है तो ले लो बस, इतना सा खजूर खाया, लेकिन खोला खजूर से ये पानी, अम्मी पहले रोजा खोल, पानी ये रखा ना, अम्मी पहले रोजा खोल जल्दी। हाँ भाई खोला रोजा है, चलो पकौड़े आए हमारे पास अफ्तारी में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें, पकौड़े छोले हैं और फ्रूट है, अम्मी ने फ्रूट काटा नहीं क्योंकि कोई खाता नहीं, और ये चाउमीन है यही खाएंगे सब ज़्यादा। तो अभी मैं मोबाइल चार्ज पे लगा रहा हूँ, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, मोबाइल चार्ज पे लगा रहा हूँ, अजाने वजाने हो रही है, तो अफ्तारी कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ रहा है नमाज, और मैं भी बस जाऊंगी नमाज पढ़ूंगी, फिर ये नमाज वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता है, उसके बाद तरावी पढ़ने जाता है जैसा तुम लोगों को पता ही है, तो मैं भी जाती हूँ नमाज वगैरह पढ़ लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद तुम लोगों से मिलते हैं। अच्छा मैंने जो है तरावी भी पढ़ ली है और कुरान भी पढ़ लिया है, और मैं अब घर भी आ गया, मैं घर आए हुए मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, व्लॉग एडिट कर रहा था लेट के, तो मुझे याद आया कि यार मैंने व्लॉग एंड नहीं करा, लास्ट क्लिप नहीं बनाई, तो सोचा अभी बना लेता हूँ। अच्छा अम्मी बाबा हेबा गए हुए हैं बाहर, और बाहर क्यों गए हुए हैं? हेबा घर में बोर हो रही थी, तो अम्मी ने बोला कि पहले मुझे बोला था कि चलो हुनैन तुम ले जाओ हेबा को, फिर बाबा ने बोला कि नहीं तुम छोड़ो, तुम घर में बैठो, मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बेटी को घुमा के लेके आ रहा हूँ। तो कह रहे अभी वो घूमने गए हैं, ये लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल सीन कुछ ये है कि व्लॉग में यही एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं तुम सब लोग से कल नए व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और ये टोपी जो है ना यार, ये टोपी तुम लोग को मेरे पूरे रमज़ान के व्लॉग्स में दिखेगी, ईद वाले दिन शायद हट जाए,
तो देखते हैं, जो मेरा पॉसिबल है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना टोपी हमेशा पहन के रखूँ। और तुम लोग को भी यही बोलूँगा, टोपी पहन के रखा करो लड़के जितने भी हो, और नमाज़ें पढ़ा करो सारी।